साथियों, शतरंज के खेल की एक और बड़ी खासियत होती है दूरदृष्टि। शतरंज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। अगर मैं आज भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ काम कर रही है और इसके नतीजे भी हम लगातार देख रहे हैं। नए भारत का युवा आज शतरंज के साथ हर खेल में कमाल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ही हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिप ओलंपिक्स ऐसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखा। भारत के खिलाड़ियों ने इन सभी आयोजनों में शानदार प्रदर्शन किया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने पहली बार 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में पहली बार 19 मेडल जीते। हाल ही में भारत ने एक और सफलता हासिल की है, हमने 7 दशकों में पहली बार थॉमस कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 3 महिला बॉक्सर्स ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कुछ दिन पहले ही एक और इंटरनेशनल मेडल जीता है, एक नया रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत की तैयारियां की स्पीड क्या है, भारत के युवाओं का जोश क्या है। अब हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 2028 के लॉस एंजलस ओलंपिक्स को टारगेट करके काम कर रहे हैं। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। और इसमें सबसे खास ये है कि देश के छोटे शहरों के युवा खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए आगे आ रहे हैं।